हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना हेयर डिटैंगल रूटीन। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताने वाली हूँ इस तरीके से आप अपने बालों को डिटैंगल करो, कॉम करो, ताकि आपके बाल बिल्कुल 0% टूटे गिरे। क्योंकि हम हमेशा बालों को वॉश करने के बाद जब भी कॉम करते हैं हमारा बहुत सारा बाल टूटता है। सबसे पहली गलती हम यहाँ पर ये करते हैं कि जैसे ही वॉश करते हैं उसके बाद आप में अपने बालों को गीले में ही कंघी करने लग जाते हैं। खासकर वो लड़कियाँ जो कॉलेज और स्कूल गर्ल्स होती हैं वो ऐसी गलती करती हैं कि बाल धोने के बाद ही गीले ही होते हैं और उनमें कंघी करने लग जाती हैं, जिससे बाल बहुत ही ज़्यादा टूटता है। जब हम अपने बालों को वॉश करते हैं उसके बाद हमारे जो जड़े होते हैं, रूट्स होती है, वो काफ़ी ज़्यादा वीक होती है और उसमें आप जल्दी जल्दी कंघी करोगे तो आपके बाल बहुत ही ज़्यादा गिरेंगे। तो इसके लिए बालों को अच्छी तरीके से सनलाइट में आपको ड्राई कर लेना है, सुखा लेनी है, तभी आपको कॉम कर लेना है। तो मैं हमेशा अपने बालों को दो भागों में डिवाइड करके आगे कर लेती हूँ और सीधे कॉम नहीं करती हूँ मैं अपने बालों में। मैं पहले अपने हाथों की, अपनी फिंगर की हेल्प से, ऐसे जैसे आप वीडियो में देख रहे हो मैं वैसे ही अपने फिंगर की हेल्प से बड़े बड़े नॉट्स को सुलझा लेती हूँ, ताकि जब भी मैं कॉम करती हूँ मेरे बाल बिल्कुल ना के बराबर गिरते हैं, जो आप लास्ट में इस वीडियो को देख लोगे। तो जैसे मैं अपने फिंगर से अपने बालों को सुलझा रही हूँ बिल्कुल वैसे ही आपको अपने बालों, और हमेशा आपको ये ध्यान रखना, अगर आप स्कूल गोइंग गर्ल्स हो, कॉलेज गोइंग गर्ल्स हो, तो आपको एक घंटा दो घंटा पहले ही बालों को वॉश कर लेना है ताकि बाल अच्छे तरीके से ड्राई हो जाए, तब आप उसमें कंघी करो। सो मैंने अपने बालों को अच्छी तरीके से डिटैंगल कर लिया है, मोटे मोटे जो भी नॉट्स थे मैंने उसको अच्छी तरीके से सुलझा लिया है। तो अब बारी आती है कॉम की। अगर आपके पास वुडन कॉम है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा वो कॉम होता है, बट मेरे पास नहीं है तो मैं ये मोटे दांतों वाले कॉम ही यूज़ करूँगी। बट यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान देना है, आपको पतली दांतों वाली कंघी का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, आपको पहले मोटे दांतों वाले कंघी का ही यूज़ करना है, यानी कॉम का यूज़ करना है। और अगर आपके बाल बहुत ही ज़्यादा गिर रहा है तो आपने बालों को दो चार पार्टों में डिवाइड करके आप कॉम कर सकते हो। धीरे धीरे आप नीचे से कॉम करते हुए ऊपर की ओर जाना, और मैं अपने हेयर फॉल्स आपको दिखाते जा रही हूँ, ये नहीं कि मैंने कोई एडिट वगैरह किया है, मैं आपको दिखाते जाऊँगी अपने जो भी बाल गिरेंगे मेरे। तो मेरे मैंने आपको बता दिया कि अगर आपके बाल ज़्यादा गिर रहे हैं तो आप दो नहीं तो चार भागों में डिवाइड करके आप कॉम करो। मैंने अपने बालों में अच्छी तरीके से कॉम कर लिया है। अब मेरे जो भी बाल गिरे हैं वो नीचे फर्श पर गिरे हैं, तो मैं उसको आपको सारे इकट्ठे करके दिखाती हूँ। सो ये रहे मेरे, आप हाथों में जो भी देख रहे हो बाल, वही मेरे अभी आपके सामने टूटे हैं, है ना। बिल्कुल इतना नॉर्मल है आपका बाल टूटना डेली, के जब भी आप बालों को वॉश करते हो तो इतना नॉर्मल है बालों का टूटना, बट इससे ज़्यादा आपके टूट रहे हैं तो ये नॉर्मल नहीं है। आप अपने बालों पर ध्यान दो, आप अपने बालों को केयर करो, उनको हेल्दी रखो, तभी वो आपके साथ रहेंगे, नहीं तो वो आपका साथ छोड़ते जाएंगे। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी, आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, लव यू ऑल।